नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। क्या बोलती जनता, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच चर्चा के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये लोक गायन के क्षेत्र में न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोरेलाल बर्मन सुरभैया जी के बारे में। जय जोहार, प्रणाम, भोरेलाल बर्मन। बर्मन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं आपसे पहला सवाल जानना चाहूंगा, 2023 में इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, राज्य में बदलाव, आपके पामगढ़ क्षेत्र में बदलाव को लेके? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भोरेलाल बर्मन का सादर जय जोहार, प्रणाम, हरेली की ढेर सारी शुभकामना। हमारे पामगढ़ विधानसभा में हमन पिछला चुनाव भी मुश्किल से 2% वोट से हारे, और कारण रही से मायावती और अजीत जोगी के अलायंस। अभी 2023 की जो चुनाव है वो हमन बूथ स्तर में बहुत तगड़ा अपन कार्यकर्ता मन बढ़ावत है, और आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यशैली से किसान मन बहुत खुश से, युवा वर्ग में बहुत उत्साह है, और पामगढ़ विधानसभा के हर कार्यकर्ता एक संकल्प ले रहे हैं कि हमें यहाँ हर हाल में कांग्रेस को जिताना है। तो निश्चित रूप से यहाँ ये इलेक्शन में कांग्रेस में बहुत अच्छा प्रतिशत मिलने वाला है। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में विभिन्न आंदोलन हो रहे हैं, और अभी हाल ही की अगर आंदोलन की बात करें एसटी एससी ओबीसी वर्ग के द्वारा, अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा रोड पर जो आंदोलन किया गया है नग्न होकर, और इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन देखे गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के मांगों को लेकर हो, तो छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न मांगे उठ रही हैं इस विषय में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इन मांगों के बारे में, कितना जायज है और कितना नाजायज है? देखिए, अभी तक जिसने भी आंदोलन किया, आंगनबाड़ी वालों का मानदेय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया, कर्मचारियों का भी बढ़ाया, कर्मचारियों का पेंशन के बारे में भी निर्णय लिया, सारे निर्णय जनहित सर्वोपरि है, और उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर तबका को महत्व देने का प्रयास किया है। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, और वो अपनी छटपटाहट को वो लोग छुपा भी नहीं पा रहे हैं। जो जो आंदोलन अभी प्रदेश में हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लोकतंत्र में उनका भी बड़ी महत्व है। अब निश्चित रूप से मैं एक सत्ता का कार्यकर्ता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी जो जो बातें छूट गई है, निश्चित रूप से उनमें भी उसका ध्यान है, आने वाले वक्त में वो भी ठीक किए जाएंगे। सर, आप पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस बार किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाने वाले हैं, जिससे इस बार पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक हो? पिछली दफा आप कुछ वोटों से हार गए थे, पीछे रह गए थे, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जाने वाले हैं? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है सर, क्योंकि आप पहला जो आपका सब्जेक्ट रहा है वो कला रहा है, आप कला प्रेमी रहे हैं, और कला के बाद आप जनता की सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो क्या इस बार मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच? देखिए, मैं तो कोई विरासत में मेरा राजनीति में नहीं रहा है, मैं लोक कलाकार हूँ, और कलाकार अपनी भावनाओं को दिल से प्रकट करता है, और मेरे क्षेत्र और पूरा छत्तीसगढ़ भोरेलाल बर्मन से वाकिफ है। राजनीति में मैं आया हूँ तो सेवा भाव को लेके आया हूँ, पद और पैसा और प्रतिष्ठा तो मुझे छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले ही दे चुकी है। पामगढ़ चूंकि 25 सालों से राजनीतिक भावनाओं का शिकार हुआ है, यहाँ का आवाम, यहाँ की जनता के साथ छल हुआ है। वास्तविक में विधायिका क्या होती है वो आम जनता को उसकी सेवा अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं राजनीति में एक सूत्र ये मानता हूँ कि
कोई भी गांव हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी प्रदेश हो, पांच चीज़ आप ठीक कर दो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी, ये आप पांच चीज़ दे दो उसको, फिर वो छठवर चीज़ की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद उन्होंने इन्हीं पांच चीज़ों को प्रमुखता से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। चूँकि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उनका विधायक नहीं बन पाया, इसलिए उतना फायदा इस क्षेत्र को नहीं हो पाया जितना होना था। लेकिन पामगढ़ विधानसभा की जनता इस बात को समझ चुकी है, आने वाले वक्त में वो स्वयं कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही बनकर, भूपेश बघेल के एक सच्चे सिपाही बनकर ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद रखता हूँ कोरेलाल बर्मन के साथ जो हजारों कार्यकर्ता आज जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये भरोसा है, राजनीति में हम पैसा कमाने नहीं, राजनीति में हम एक सेवा भाव लेके आए हैं, और जनता उस चीज़ को समझ चुकी है, आने वाले वक्त में उसका फायदा हमें जरूर। गोरेलाल बर्मन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया। इस वीडियो को बनाने के लिए सोनू मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू मिश्रा जी ने इस वीडियो को कवरेज किया है। आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी बातें आप तक पहुँच सके और आपके मुद्दे हम लोगों के सामने रख सकें, सरकार के सामने रख सकें। मैं मोर क्षेत्र के पामगढ़ विधानसभा के दाई ददा भाई बहनी नौजवान साथी आप सब लोग प्रणाम करत हो। इस चैनल के माध्यम से आपसे मोर एक ही निवेदन है, मुझसे ज़्यादा आप वाकिफ हो कि क्षेत्र में का होना चाहिए का नहीं होना चाहिए। आजकल राजनीति के बाजार में आदमी करते कुछ, होते कुछ, बोलते कुछ, होते कुछ, लेकिन गोरेलाल बर्मन आप अच्छी तरीके से जानत हो, पहचाने हो। हम लोग पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के वास्तविक दौर में लेके जाना है। ये क्षेत्र माँ शिवरिंदाई के क्षेत्र है, शिवरी नारायण लक्ष्मणेश्वर भगवान के क्षेत्र है, तो हम लोग अपन आस्था के विराट में भी, प्रकाश में भी पूरा हम लोग प्रकाश पुंज करना है। ये क्षेत्र पूर्ण रूप से कृषि के ऊपर हम के आजीविका है निर्भर रही थी, आने वाला वक्त में ये क्षेत्र ला औद्योगिक विकास के ओर से भी हमें जोड़े के प्रयास करबो, छोटे छोटे कल कारखाना के भी हमें जोड़े के प्रयास करबो। बहुत सारा मोर मन में बात है, वो छोटे छोटे बात तो नहीं बोलो, लेकिन मोर मन में पामगढ़ विधानसभा ला मैं जे दृष्टि से देखो, जो सपना सोपान मैं सोचे हूँ, आप सब के आशीर्वाद अगर मुला मिली, निश्चित रूप से आप सब के साथ मिलके हम एक जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा दे रहे हैं, वैसे गोरेलाल बर्मन के प्रण गढ़बो नवा पामगढ़, आप सब के आशीर्वाद अवश्य मिली, ऐसे मुला भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोरेलाल बर्मन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया, आपने अपने विचार साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोरेलाल बर्मन सुरभैया जी, इस वीडियो को बनाने वाले थे सोनू मिश्रा जी, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना दया माया ऐसे ही बनाए रखें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।